खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। सर विधानसभा से भाजपा सेना की उम्मीदवार घोषित हुई मनीषा चौधरी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दहिसर विधानसभा से स्थानीय विधायिका मनीषा चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जैसी यह खबर उनके चाहने वालों को लगी, वैसे ही उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। पार्टी द्वारा एक बार फिर मौका मिलने पर मनीषा चौधरी ने वरिष्ठ हाईकमान का आभार और अभिव्यक्ति किया है। मनीषा चौधरी ने कहा कि वह अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की नजरों में खरा उतरेंगी और जनता को किए गए वादे और बचे हुए काम वो पूरा करेंगी। साथ ही शिवसेना प्रमुख का भी अभिवादन किया। और क्या कुछ कहा मनीषा चौधरी ने, देखी यह पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र का चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टी के सभी कद्दावर नेता जिनका जिनका नामांकन के लिए पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, वो तमाम नेता आज और कल परसों में अब निकलेंगे अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने। एक बार फिर दहिसर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने मनीषा चौधरी के ऊपर एक बार फिर से उनके कामों को देखते हुए एक बार फिर जिम्मेदारी उनके सर बांधी है। मेरे साथ मनीषा जी है, जानना चाहेंगे क्योंकि दहिसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया, वाकई वो काबिले तारीफ है। क्योंकि इसके ठीक पहले जब शिवसेना के दिग्गज नेता को उन्होंने हराया था, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि उस वक्त गली गली में जाना, लोगों से मिलना, एक संपर्क अभियान के तहत लोगों को जोड़ना, ये बहुत ही कठिन काम था। बहरहाल मेरे साथ में मनीषा जी है। मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस प्रकार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी प्रमुख को? पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र की डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल, वैसे हमारे मुंबई के अध्यक्ष लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी और मेरे हमारे सबके यहाँ के कार्य सम्राट सांसद गोपाल शेट्टी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ नेता, मेरे कार्यकर्ता, सभी की मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी के आशीर्वाद से फिर एक बार हमें दहिसर का विकास करने के लिए दहिसर विधानसभा से मुझे यहाँ से टिकट दिया है, इसीलिए सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि शिवसेना का गठबंधन है, जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे का भी इसमें हाथ होगा, तो एक बार शिवसेना क्योंकि इस बार अलायंस है, एक समय विरोध में थे, इस बार अलायंस है, तो उनके लिए क्या? जब जब महायुति हुई
तभी हमने पार्टी का काम महायुति में धर्म विभाग के हमने काम किया है। जैसा पालघर में हमारे महायुति के उम्मीदवार गावित जी थे, इसीलिए वहाँ भी हमने खुद जाके, हमारी गोपाल शेट्टी जी की यहाँ सीट थी, फिर भी हमने पालघर जाके हमारे जो लोग हैं उनको बताया कि भाई अपना गावित ये शिवसेना का नहीं भाजपा का उम्मीदवार है। ऐसे ही मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता को और मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूँ, जहाँ महायुति का उम्मीदवार रहेगा वो महायुति के उम्मीदवार को जिताने के लिए आप सभी ने वहाँ अपना अपना समय देके उनको जिताना है। और हमारे यहाँ तो शिवसेना भाजपा का कोई ऐसा दो राय नहीं है। हम सब नगर सेवक, छह नगर सेवक मेरे महायुति के हैं, तीन शिवसेना के हैं, तीन भाजपा के हैं, बाजू में हमारे भाई प्रकाश सुर्वे जी है, वहाँ भी हम मिलजुल के काम करेंगे। यहाँ भी शिवसेना हमें पूरी साथ देंगी, नागाठाणे में हम लोग शिवसेना को साथ देंगे। ऐसा हमारे दोनों नेता देवेंद्र जी और आदरणीय उद्धव जी, इन दोनों ने, ये दो हिंदू हृदय की हमारी युति बनी है, ये पक्की युति है। किसी ने भी कुछ भी बोला तो भी कार्यकर्ता फिर एक बार देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे अपना प्रयत्न करेंगे। मनीषा जी, जैसे कि आपने बात की थी, तो नागाठाणे विधानसभा क्षेत्र में आज एक बहुत ही अफवाहों का माहौल गर्म था। खास करके बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सभी कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके थे। वो वाक्य ऐसा था कि कार्टून बनाया गया था, जिसके अंदर उस कार्टून पे लिखा था कि बाहर से उम्मीदवार लड़ा। उस कार्टून में एक अफवाह का रूप ले लिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हुए थे। बहरहाल लोगों की, वरिष्ठ नेताओं की सम्मति के बाद उस अफवाह को कहने के खारिज किया गया। इस प्रकार की जो अफवाहें आती है उसके लिए आप क्या देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं गठबंधन शीर्ष चोटी पर दोनों नेताओं ने जोड़ा है? मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि जिस जगह मैं खुद नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं वहाँ क्या हुआ, तो मैं कैसे इसके ऊपर टिप्पणी कर सकती हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा का उम्मीदवार है वहाँ शिवसेना ने एक साथ रह के काम करना चाहिए, और जहाँ शिवसेना का उम्मीदवार होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ दिल दे के काम करना चाहिए। और ये अफवाहें हमारे जो लोग है, मीन्स हमारे विरोधक है, ये विरोध कैसे काम करते हैं, तो अपन ज्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनसा जी, बात करें अगर इस क्षेत्र की, दहिसर विधानसभा क्षेत्र की, तो आप कई गली कूचे में गए, बहुत सारे आपने काम किए 5 साल के भीतर, ये कार्य अहवाल आपने प्रस्तुत किया जो लोगों के सामने था। क्या ऐसे कौन से प्रमुख काम आपकी नज़र में बाकी हैं जिसके लिए जनता एक बार फिर आपको चुन के दे, या उस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे, वो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जो अभी तक पेंडिंग है? पहले तो हमारे जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है वो पूरा करना है, जैसे कि हमारे दहिसर नदी का काम चालू है वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, हमारा मैंग्रोव पार्क का काम चालू है वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, तीसरा हमारी जो मेट्रो का काम चालू है मेट्रो पूरा करना है, हमारा जो वार्ड नंबर 8 के हमारे नगर सेवक जगदीश हरीश चेड़ा जी है, उन्होंने एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चालू किया है, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का। चौथा हमारा जो वती हॉस्पिटल है जिसका हमने भूमि पूजन किया है, वो सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेस हमें हॉस्पिटल जल्दी में जल्दी लोगों के सेवा के लिए तैयार करना है और लोगों को वहाँ सेवा देनी है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो दहिसर में रोड है वो रोड वाइंडिंग करना जरूरी है, ट्रैफिक की समस्या है, वो ट्रैफिक की समस्या संभालने के लिए हमें रोड वाइंडिंग करके जहाँ जहाँ लोग हमारे वो रोड वाइंडिंग में बाधित हो गए उन सभी को, अफेक्टेड लोगों को PAP देके हमने जो MMRDA के माध्यम से कांदरपाड़ा में जो 4000 PAP का भूमि पूजन किया है वो प्रोजेक्ट तैयार करके जहाँ जहाँ रोड वाइंडिंग होगा, जहाँ जहाँ नाला के बाजू में नाला वाइंडिंग होगा, उन सभी लोगों को वहाँ घर देके, दहिसर में ही घर देके वो प्रोजेक्ट पूरा करना है। और एनवायरमेंट के रूप से हमें हमारा दहिसर ये प्लास्टिक थैली मुक्त करना है। एनवायरमेंट की बात करें और जिस प्रकार मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया आता है गणपत पार्टी, वो मुद्दा हमेशा ही हट रहा है 1992-93 से लेकर अभी भी किसी हल निष्कर्ष पे वहाँ के लोग पहुँचे हैं या अभी भी उनके अंदर कहीं कन्फ्यूज है?
मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी की शुक्रिया अदा करती हूँ कि देवेंद्र जी ने मुझे इतना साथ दिया कि केंद्र से लेके हमारे हाईकोर्ट से लेके सब परमिशन लेके एमसी जड़ेमे का परमिशन, सीपी जड़ेमे का परमिशन, सब परमिशन देके सीआर छेड़ का परमिशन लेके गणपत पाटिल नगर में आज तक लोगों को जो पानी नहीं मिल रहा था वो 1 से 14 नंबर गली में मैंने पानी लाने का काम कर दिया है। उनको लाइट देने का काम हमारा चालू है। और तीसरा कि हमें वहाँ स्लम करना है, स्लम डिक्लेरेशन के लिए एसआरए की ओर से हमने पैसे भी वहाँ भरे हैं। वो प्रोजेक्ट हमको 2022 तक वहाँ स्लम डिक्लेयर करके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर देना, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जल्दी से जल्दी गणपत पाटिल नगर को स्लम डिक्लेयर करके वहाँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में मैं प्रयास करूंगी कि गणपत पाटिल नगर का विकास करें। कहीं जाते जाते आखिरी सवाल होगा, अफवाहों का माहौल गर्म है, शायद इसमें विरोधी पक्ष भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बात करें थाने में एक जाहिर नोटिस जाहिर की थी जिसके अंदर कट्टर जो शिवसैनिक होगा वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगा, ऐसा उनका एक आवाज है। क्या ऐसे वक्त पे इस तरीके की बातें होनी चाहिए? क्योंकि जब शीर्ष नेता माननीय आप उद्धव जी ठाकरे साहब हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती को अपने हाथ में लिया हुआ है, ऐसे माहौल में क्या निवेदन करना चाहेंगे खास करके कार्यकर्ताओं से? मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ, मैं छोटी कार्यकर्ती हूँ, इसीलिए मैं इतना बड़ा बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि किधर भी मन दुख होगा तो अपन सब मिलके एक होके अभी अपने को देखना है कि वापस महायुति की हमारी सत्ता आए, हमारे पहली बार हमारे ठाकरे घराने के हमारे यंगस्टर आदित्य ठाकरे जी भी यहाँ आए और ऐसे हमारे भी नेता है सब चुन के ये विधि मंडल में आए। और जो नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल विकास किया है, देवेंद्र जी ने 5 साल विकास किया है, इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सत्ता है और यहाँ फिर एक बार 25 साल महायुति की सत्ता रहेगी। इसीलिए कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ अपने उम्मीदवार होंगे, वो अगर शिवसेना का होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समझ के काम करना है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वहाँ शिवसेना ने शिवसेना का उम्मीदवार तरीके से काम करना चाहिए। ये 2-4 दिन गर्मा गर्मी रहेगी। सब हमारे नेता सक्षम है, उद्धव जी सक्षम है, देवेंद्र जी सक्षम है, आठवले जी सक्षम है, जानकर जी सक्षम है, वहाँ हमारे मेटे जी सक्षम है, सब मिलके हम लोग एक साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सत्ता ये दिवाली में हम लोग लाएंगे और अंधेरे से प्रकाश में जाके दिवाली हमारी युति की, महायुति की रहेगी और देवेंद्र जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बार फिर से भगवा झंडा फहरे, बीजेपी का झंडा फहरे, ऐसा एक संकल्प लेकर नामांकन के बाद मनीषा चौधरी अपने क्षेत्रों में अपने लोगों से मिलने के लिए पहुंचेंगी। वक्त तय करेगा किस दिशा में, किस मोड़ पे ये जनता उन्हें लेकर जाती है। बहरहाल तमाम रिपोर्टों पर बने रहेगी हमारी नजर। बड़े सुशील कुमार सिंह के साथ अरुण कुमार गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।